हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर सीक्रेट। और आज मैं आपसे यहाँ पे एक ऐसी औषधि के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म होती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गिलोय के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गिलोय के फायदे, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको एनीमिया है तो गिलोय के पत्तों का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये खून की कमी को दूर करता है, साथ ही ये और भी रोगों से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि खांसी, सर्दी। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको गिलोय के कुछ फ्रेश पत्ते लेना है, जैसा कि मैंने लिया है। फ्रेंड्स, गिलोय डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये मोटापे से परेशान लोगों को भी बहुत ही जल्दी मोटापे से छुटकारा दिलाता है। साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं। फ्रेंड्स, गिलोय के रेगुलर इस्तेमाल से आप खांसी और सर्दी से भी निजात पा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी और सर्दी हो रही है और ये ठीक नहीं हो रही है, तो आप गिलोय को एक चम्मच ले सकते हैं, जिससे आपकी खांसी और सर्दी जल्दी ही ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम इस लीफ को एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। देख सकते हैं, मैंने एक जार लिया है, इसमें हम सारे लीफ को ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे जार में डाल लिया है। अब इसमें अच्छे तरीके से पीस लूंगी और इसका पेस्ट बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने इसका अच्छी तरीके से पीस बना लिया है। अब आपको इसको एक बोल में ट्रांसफर करना है। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इसको। इसके बाद इसमें आप एक चम्मच शहद मिला सकते हैं। मैंने नेचुरल शहद लिया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। आपको इसे रोजाना सुबह एक चम्मच लेना है और 5 साल से कम उम्र के बच्चे इसे ना लें। फ्रेंड्स, ये आपको बहुत जल्दी फायदा पहुंचाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।